नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों आज हम वीडियो में जानेंगे कि फायर वाटर टेंडर टाइप ए के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, कैपेसिटी क्या होती है, एसेसरीज एंड इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं टाइप ए वाटर टेंडर में, इसमें पंप कौन सा यूज होता है फायर फाइटिंग के लिए, और कौन कौन से कंट्रोल वाल्व होते हैं, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, टाइप ए वाटर टेंडर में जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें कोई बिल्ट इन पंप नहीं होता है, कोई पीटीओ नहीं होता है, किसी तरह का प्राइमर नहीं होता है। इसके बारे में मैं वीडियो में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूंगा, और उसी के साथ साथ मैं बताऊंगा कि कहां पे इसका कैसे यूज किया जाता है, इसके कार्यप्रणाली के बारे में। तो अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो वाटर टेंडर टाइप ए है इसमें कोई बिल्ट इन पंप नहीं होता है। आपको फायर फाइटिंग के लिए या तो एक पोर्टेबल पंप कैरी करना पड़ता है या फिर ट्रेलर पंप आपको अपने साथ लेके जाना पड़ता है, और ज्यादातर इसका यूज रूरल फायर में किया जाता है, मतलब गांव और देहात की जो आग होती है, जंगलों की आग, वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो अब देखेंगे जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, वाटर टेंडर टाइप ए के जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। तो वाटर कैपेसिटी जो होती है वो 2700 से 3600 लीटर के बीच में होनी चाहिए, डिपेंड करता है कि चेचिस जो यूज किया गया है उसके हिसाब से। ग्रॉस व्हीकल वेट जो होगा वो 8500 किलो का होगा, विद क्रू, वाटर और जितने भी इक्विपमेंट्स में रखे जाएंगे उन सब को लेके। अब बात करेंगे मैक्सिमम स्पीड की, तो पूरे लोड के साथ इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो लेवल रोड पे 72 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए। पूरी लोडेड गाड़ी में जो एक्सेलरेशन की इसकी स्पीड होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 45 सेकंड्स में पहुंचनी चाहिए। ब्रेकिंग पॉइंट की बात करें तो किसी ड्राई सरफेस पे और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जिस जगह पे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे वहां से 15 मीटर से ज्यादा की दूरी ये नहीं कवर करनी चाहिए, उससे पहले पहले गाड़ी को रुक जाना चाहिए। व्हील बेस जो होगा वो इसका 4500 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। व्हील बेस के बारे में मैं आपको बता दूं, जो आगे के टायर होते हैं और जो पीछे के टायर होते हैं उनके बीच की दूरी को व्हील बेस बोला जाता है। टर्निंग सर्कल जो इसका है वो 20 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। रोड क्लियरेंस जो है वो 230 mm से कम नहीं होना चाहिए। रोड क्लियरेंस मैं बता दूं तो जो आपकी गाड़ी के नीचे का बॉडी होता है और नीचे रोड के बीच में जो गैप होता है वो रोड क्लियरेंस बोला जाता है, वो 230 mm से कम नहीं होना चाहिए। जो गाड़ी की ओवरऑल विड्थ है, सामने से आप अगर चौड़ाई देखेंगे तो वो 2.5 मीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे मटेरियल के बारे में, कौन कौन से मटेरियल किस तरह के यूज करने चाहिए। जो भी वाटर टेंडर के पार्ट्स हैं जिनके थ्रू पानी निकलता है या जो पानी स्टोर करते हैं या फिर पानी के कॉन्टैक्ट में जो आते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होने चाहिए, और जो भी मेटल पार्ट एक्सपोज है एटमोसफियर से उन पे कोरोजन रेसिस्टिंग मटेरियल का यूज किया जाना चाहिए या फिर कोरोजन रेसिस्टेंस के लिए ट्रीट किया हुआ होना चाहिए। अब देखेंगे हम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो जो इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा वो 1224 वोल्ट का होगा, और उसमें 120 एएस कैपेसिटी की बैटरी होगी विद अल्टरनेटर। वाटर टैंक की बात करें तो वाटर टैंक बनाने के लिए माइल्ड स्टील का यूज किया जाएगा, जिसकी मिनिमम थिकनेस 3 mm की होनी चाहिए, और उसको एंटी कोरोजन से ट्रीट किया गया होना चाहिए। जो वाटर टैंक है उसमें बेफल्स लगे होने चाहिए उसकी वाटर कैपेसिटी के हिसाब से। अगर 2700 लीटर का टैंक है तो 2 बेफल्स होने चाहिए, और अगर उससे ज्यादा की कैपेसिटी का वाटर टैंक है तो 3 बेफल्स होने चाहिए। बेफल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, पानी को आपको पता होगा इधर से उधर मूव करता है जब भी गाड़ी चलती है, तो उस कंडीशन में जब हम गाड़ी की टर्निंग करेंगे तो वहां पे गाड़ी के पलटने के चांसेज होते हैं, क्योंकि पानी एक तरफ चला जाता है झटके से। तो उस पानी के प्रेशर को रोकने के लिए बेफल्स का यूज किया जाता है टैंक के अंदर। टैंक को रिफिल करने के लिए किसी प्रेशराइज्ड वाटर सोर्स जैसे हाइड्रेंट से पानी लेने के लिए उसमें 63 mm की इंस्टेनियस कपलिंग लगी होनी चाहिए विद स्टैनर। एक 100 mm की पाइप होगी जो टैंक से निकल के बाहर आएगी, और उस पे 100 mm का सक्शन इनलेट लगा रहेगा, और उसको बंद और खोलने के लिए 100 mm का क्विक स्फेरिकल टाइप वाल्व लगा रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें पंप नहीं है तो फिर सक्शन इनलेट की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप पोर्टेबल पंप का यूज करेंगे तो उसे कनेक्ट करने के लिए सक्शन आउटलेट का यूज किया जाता है गाड़ी में, इसलिए सक्शन आउटलेट प्रोवाइड किया जाता है। अगर टैंक में यूज किया गया मटेरियल गैल्वेनाइज नहीं है तो टैंक को कोरोजन से बचाने के लिए इपॉक्सी ट्रीटमेंट करना चाहिए अंदर की साइड से। टैंक का जो इनसाइड सरफेस है उसे फैब्रिकेशन से पहले सैंड ब्लास्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद में पेंट करना चाहिए। टैंक का वाटर लेवल देखने के लिए बैक साइड में वाटर लेवल इंडिकेटर होना चाहिए, और एक टैंक पे 45 mm डाया का मैन होल होना चाहिए ताकि इंस्पेक्शन के लिए, क्लीनिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए टैंक के अंदर जाया जा सके आसानी से। अब जानेंगे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पंप। तो आपको पता है इसमें पंप तो है नहीं, तो हमें फायर फाइटिंग करनी है तो इसके लिए हमें पोर्टेबल पंप साथ लेके चलना पड़ता है।
पोर्टेबल पंप कई कई सारी कैपेसिटी के आते हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज। तो इसमें जो होगा वो 275 LPM का पोर्टेबल पंप होगा जो फायर फाइटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, और इसका IS नंबर है IS 942। पोर्टेबल पंप को हमेशा जो वाटर टैंक है उसके पीछे में माउंट करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, और जो पोर्टेबल पंप का फ्रेम है वो क्विक डिटेचेबल होना चाहिए ताकि आसानी से आप उसे खोल सकें और उतार सकें, और उसमें टायर्स लगे होने चाहिए ताकि आपको कहीं भी ले जाने में उसे आसानी हो। अब वाटर टेंडर में बॉडी बॉक्स और स्टोवेज के बारे में देखेंगे। तो जो फायर क्रू होता है जिसमें 6 लोग होते हैं, इनको बैठने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड होना चाहिए, उसमें एक इनक्लोज केबिन होना चाहिए। जो केबिन होता है क्रू का या फिर ड्राइवर कम क्रू कंपार्टमेंट होता है, उसमें 2 दरवाजे होने चाहिए, वो 90 डिग्री के एंगल पे खुलने चाहिए। जो केबिन और लॉकर होता है वो रिगिड मटेरियल से बने होने चाहिए। वाटर टेंडर में लॉकर्स होते हैं जिसमें इक्विपमेंट रखे जाते हैं। लॉकर की जो हाइट होगी वो जो उसका ओपनिंग पार्ट है मतलब लॉकर के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा वो कम से कम 600 mm से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। लॉकर्स के अंदर लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, और इसका स्विच जो है वो ड्राइवर केबिन में होना चाहिए। वाटर टेंडर में सक्शन होज टनल होना चाहिए जिसमें 2.5 मीटर की लेंथ के सक्शन होज को स्टोर किया जा सके, और ये स्लोप्ड होने चाहिए ताकि अगर आप सक्शन होज का यूज करके उन्हें स्टोर करते हैं तो जो पानी है उनमें वो आसानी से उस कंपार्टमेंट से निकल जाए, उस टनल से बाहर आ जाए। जिसपे हम 10.5 मीटर की लैडर को रेस्ट करते हैं वाटर टेंडर के ऊपर, उन्हें लैडर गैलोज बोलते हैं, वो होने चाहिए विद लॉकिंग अरेंजमेंट्स और रोलर ताकि आसानी से उसे उतारा जा सके। टूल किट कंटेनर होना चाहिए वाटर टेंडर में, और जो गाड़ी है पूरी वो फायर रेड कलर में पेंट होनी चाहिए, उसका नंबर है 2932। अब जानेंगे कि वाटर टेंडर के इंस्ट्रक्शन बुक एक्सेसरीज एंड इक्विपमेंट के बारे में। तो वाटर टेंडर में एक इंस्ट्रक्शन बुक होना चाहिए जिसमें पूरी गाइडेंस होनी चाहिए किस तरह से ऑपरेट करना है और क्या क्या इसका मेंटेनेंस प्रोसीजर है उसके बारे में। एक्सेसरीज की बात करेंगे तो 250 mm का हैंड ऑपरेटेड फायर बेल होना चाहिए जो केबिन के ऊपर माउंट होता है एक्सटर्नली, और ये इस तरह का होना चाहिए कि इसे अंदर से बजाया जा सके ड्राइविंग कंपार्टमेंट से ही बिना बाहर जाए। सर्च लाइट होनी चाहिए जिसका जो वायर है वो 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और ये आपके वाटर टेंडर के छत पे माउंट होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सेसरीज है वो हैंड लैंप होने चाहिए, 2 फॉग लैंप्स होने चाहिए, 2 रिवर्सिंग लाइट होनी चाहिए, अंबर ब्लिंकर लाइट होनी चाहिए, सायरन होना चाहिए, बैटरी ऑपरेटेड स्पॉट लाइट होनी चाहिए, टेल लैंप, कैब इंस्ट्रूमेंट पैनल एंड लॉकर्स की लाइट होनी चाहिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम होना चाहिए जिसे PA सेट बोलते हैं जिसे आप कुछ अनाउंस कर सकते हैं, और वायरलेस सेट होना चाहिए जिससे आप दूसरे किसी फायर स्टेशन से या संबंधित अधिकारी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वाटर टेंडर के ऊपर मार्किंग बहुत जरूरी होती है। इस मार्किंग में क्या क्या होना चाहिए? जो मार्किंग होगी वो परमानेंटली मार्क्ड होगी और एक सुटेबल लोकेशन पे होनी चाहिए। इस पे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर का नेम, ट्रेडमार्क होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए वाटर टैंक की कि कितने लीटर का टैंक है, ईयर सब मैन्युफैक्चरर कब बना था, और इंजन नंबर और चेसिस नंबर उस पे मेंशन होना चाहिए, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उस पे जितने भी वाल्व हैं वहाँ पे नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए कि कौन कौन से वाल्व किस किस पर्पज के लिए लगाए गए हैं। अब जानेंगे इक्विपमेंट डिटेल के बारे में, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं फायर टेंडर में। तो पहला होता है एल्युमिनियम एक्सटेंशन लेडर जो 10.5 मीटर का होता है, इसका IS नंबर है 4571। सक्शन होज होते हैं रबर के, 75 mm इंटरनल डायमीटर होता है इनका, और 2.5 मीटर लेंथ होती है, इसका IS नंबर है 2410। रबर लाइन डिलीवरी होज अकॉर्डिंग टू टाइप 2 होते हैं जिनकी लेंथ 22.5 मीटर या 15 मीटर की होती है। अनलाइन फ्लैक्स कैनवास होज होते हैं या फिर कंट्रोल परकुलेटिंग होज होते हैं, होज क्लैम्प्स होते हैं, होज बैंडेज, 2 सक्शन कलेक्टिंग हेड 75 mm के, कैनवास बकेट, फर्स्ट एड बॉक्स फॉर 10 persons, रबर ग्लव्स, एक्स होता है लार्ज जिसका IS नंबर है 703, और एक स्पेड होता है। डिवाइडिंग ब्रीचिंग होता है इसका IS नंबर है 5131, कलेक्टिंग ब्रीचिंग होता है इसका IS नंबर है 903, ब्रांच पाइप होती है, नोजल्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के 12 mm, 15 mm, 20 mm, अडाप्टर होता है 75 mm का, सक्शन फीमेल स्क्रू कपलिंग जिसमें होती है, नोजल स्पैनर होता है, हैंड लैंप्स, फ्लेम प्रूफ लैंप, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्यूशर होता है ड्राई केमिकल पाउडर टाइप 2 kg, और दूसरा फायर एक्सटिंग्यूशर होता है वो होता है फोम टाइप 9 लीटर का, और इसमें लोअरिंग लाइन, लॉन्ग लाइन एंड शॉर्ट लाइन भी होती है। इन सब के अलावा पिकैक्स होता है जिसका IS नंबर है 273, क्रोबार होता है, स्लज हैमर होता है जिसका वेट 6.5 kg होना चाहिए, कारपेंटर सा होता है, स्पैनर होता है एडजस्टेबल, डोर ब्रेकर, हाइड्रोलिक जैक 7.5 टन का, फायर हुक, टूल किट, ग्रीस गन, ऑयल फीडर, कैन फॉर ऑयल 2 लीटर कैपेसिटी, फनल होना चाहिए ऑयल रिफ्यूलिंग के लिए।
अब जानेंगे कंट्रोल वॉल्व एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में, क्या क्या इसमें कंट्रोल वॉल्व होते हैं, वॉट आर टेंडर टाइप ए में, और किस तरीके से इसे ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें होता है एक हाइड्रेंट टू टैंक वॉल्व होता है, एक टैंक टू सक्शन वॉल्व होता है और एक ड्रेन वॉल्व होता है। अब जो मेन पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो जो भी आपका पोर्टेबल पंप है आप पीछे रखे रहते हैं उसको वाटर टैंक के अपने, उसको उतारना है आपको आपके वाटर टेंडर से, उसके बाद आपके पोर्टेबल पंप को वाटर टेंडर से सक्शन आउटलेट से कनेक्ट करना है, या फिर आप अपने पोर्टेबल पंप को ओपन सोर्स से फायर फाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स के पास ले जाके उसे किसी नदी तालाब में कनेक्ट करके आप फायर फाइटिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं, या फिर पोर्टेबल पंप का यूज आप टैंक रिफिलिंग के लिए कर सकते हैं किसी ओपन सोर्स से। अगर आपको कोई प्रेशराइज वाटर सोर्स नहीं है हाइड्रेंट की तरह तो फिर आपको ओपन वाटर सोर्स से टैंक रिफिल करना पड़ेगा, तो वहाँ पे पोर्टेबल पंप का यूज किया जा सकता है। सक्शन आउटलेट से पोर्टेबल पंप कनेक्ट करने के बाद आपको जो सक्शन आउटलेट वॉल्व है वो खोलना है, उसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी डिलीवरी होज की वो बिछाना है, और फिर नोजल अटैच करके आप फायर फाइटिंग शुरू कर सकते हैं। बस बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है इसका, इतना ही। इसके बाद फायर फाइटिंग के बाद जो प्रोसीजर है आप सेम उसे फॉलो करेंगे। तो ये था पूरा वाटर टेंडर टाइप ए के बारे में डिटेल्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।